येडा यानी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बने हुए 20 साल हो चुके हैं। इसका गठन 24 अप्रैल 2001 को ताज एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुआ था, लेकिन 11 जुलाई 2008 को इसका नाम बदलकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर दिया गया। अपने 20 साल के सफर में येडा ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। इनमें सबसे बड़ा साबित होने वाला है जेवर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर मोहर लगने के साथ ही यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी। येडा ने यूपी में क्लस्टर बनाकर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का आवंटन किया है। यहां पर फिल्म सिटी, राया हेरिटेज सिटी, टप्पल लॉजिस्टिक हब समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन सारी योजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। दावा है कि 2023-2024 तक इनमें से कई परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 2024 में जा सकती है। इसके साथ ही जेवर मेट्रो के भी शुरू होने की संभावना है। इनके पूरा होने से यूपी के इस इलाके की सूरत बदल जाएगी। अब तक येडा ने एक लंबा सफर तय किया है। आप जानते हैं कि इसका गठन 2001 में हुआ। 2009 में यहाँ पर 21,000 प्लॉट्स की रेजिडेंशियल स्कीम आई थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर औद्योगिक, व्यावसायिक, हाउसिंग सोसाइटी और आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की रफ्तार काफी धीमी रही। हालांकि 2017 के बाद से हालात में काफी तेजी से बदलाव हुआ है। यूपी में सरकार बदलने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर मोहर लगी और फिर एयरपोर्ट समेत कई और योजनाओं की प्लानिंग आगे बढ़ने लगी। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद एयरपोर्ट का शिलान्यास होने की भी उम्मीद है। स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी एयरपोर्ट को डेवलप करेगी। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 1334 हेक्टेयर जमीन पर होगा, लेकिन इतना तय है कि एयरपोर्ट इस पूरे इलाके की सूरत बदल देगा। एयरपोर्ट बनने के बाद के हालात को ध्यान में रखते हुए यहां बड़ी औद्योगिक कंपनियों ने कदम रखा है। एयरपोर्ट आने के बाद यहां पर औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ा है। यहां पर वीवो, बॉडी केयर, इंगटांग, ईशी टेक्नोलॉजी, देव फार्मेसी, क्वालिटी बिल्डकॉन, मटेंड लिमिटेड, राज कॉरपोरेशन, गैल्वेनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर, हल्दीराम, होलिस्टिक इंडिया लिमिटेड, सूर्या ग्लोबल, क्वाड्रेंट स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी समेत दर्जनों बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है। इसके अलावा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्रदेश में पहली क्लस्टर इंडस्ट्री की शुरुआत की है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट पार्क, अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क और टॉय सिटी विकसित की गई है। अथॉरिटी एरिया में मेट्रो और पॉड टैक्सी पर भी काम चल रहा है। अथॉरिटी ने एयरपोर्ट और अपने सेक्टर तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधनों को बढ़ाने पर जोर दिया है। ग्रेटर नोएडा से जेवर तक मेट्रो चलाई जाएगी। इसकी संशोधित डीपीआर पर काम चल रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। इसकी भी डीपीआर बनाई जा रही है। पहले चरण में फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच और दूसरे चरण में नोएडा एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा तक पॉड टैक्सी चलेगी। जेवर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। इसकी प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। वक्त के साथ साथ यमुना प्राधिकरण आर्थिक मोर्चे पर भी ताकतवर हुआ है। कोरोना महामारी के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में यमुना अथॉरिटी ने 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। साल 2019-2020 में यह आंकड़ा सिर्फ 1198 करोड़ रुपए था। यानी एक साल में यमुना अथॉरिटी की इनकम 1000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यमुना अथॉरिटी को सबसे ज्यादा फायदा प्लॉट स्कीम्स में हुआ है। अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में आवंटित राशि का 90% खर्च किया है। एयरपोर्ट बनने के बाद यमुना प्राधिकरण की प्लानिंग होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की है। ये योजना यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे होगी। इसके अलावा प्राधिकरण ने एक ग्रीन सिटी विकसित करने की भी तैयारी की है। इसके लिए सलाहकार कंपनी का चुनाव कर लिया गया है। ये एक ऐसा शहर होने वाला है जहां पर हर सुविधाएं मौजूद होंगी। यहां पर कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होगा। प्राधिकरण एक नई फिल्म सिटी भी बनवा रहा है। 1000 एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी की डीपीआर बन चुकी है। ये परियोजना 10,000 करोड़ रुपए की है। वहीं मथुरा के राया में 9000 हेक्टेयर में हेरिटेज सिटी बनेगी। पहले चरण में इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टप्पल वाजना में 11,000 हेक्टेयर में लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाना है।